वेलकम बैक टू द हाई प्रिंसेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग हैप्पी हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो एंड यू आर फीलिंग ब्यूटीफुल। सो आज हम लोग वापस आए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। अगेन ये जनरल रीडिंग है, हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है, बट आई होप दिस हेल्प्स यू। सो आज हम लोग करेंगे जोरियाक साइंस। सो सन साइन, मून साइन, कुछ भी हो आप देख सकते हो, आपके चार्ट में है आप देख सकते हो। वी आर डूइंग कैंसर, कैंसर्स, ओके, कैंसर साइन। सो लेट अस सी टिल सितंबर 10th, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्या है करंट एनर्जीज फॉर माय कैंसर, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट। ओके, लेट अस सी करंट एनर्जीज फॉर माय कैंसर। वाओ, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन नंबर 3। सो आप किसी चीज़ के बारे में सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी चीज़ को अपने लाइफ में। नाउ दिस कैन बी एनीथिंग, मे बी आपका बर्थडे है, मे बी आपका एनिवर्सरी है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट आई एम सीइंग यू सेलिब्रेटिंग समथिंग। कुछ खुश खबर आने वाला है या कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, वट एवर दिस इज न्यू बिगिन। वाओ वाओ, न्यू बिगिनिंग सेलिब्रेशन, वाओ कैंसर। सो कुछ नया होने वाला है, समथिंग न्यू इज कमिंग। दिस कैन बी अ न्यू बिगिनिंग विद अ पर्सन और दिस कैन बी अ न्यू पर्सन कमिंग इन। हो सकता है आप पुराना पर्सन के साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, या फिर शायद कोई नया पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, या अगर रोमांस नहीं है तो मे बी आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं जॉब में, फाइनेंस में, करियर में, एंड आप सेलिब्रेट कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स कैन माय कैंसर पीपल एक्सपेक्ट। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, कैंसर होल्ड योर विजन। यस, सो आपको लगे रहना है। अगर आपका कुछ एम है अभी इस वक्त, आपका कुछ विश है, मे बी आपको लगता है ये सक्सेसफुल नहीं होगा, मे बी आपको लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं करेगा, आप जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, आपका जो विश है वो यूनिवर्स पूरी नहीं करेगी, बट होल्ड योर विजन, होल्ड योर हॉर्सेस, रुको भाई रुको, होने वाला है कुछ, आपको पेशेंस रखना है यहाँ पे, यू नो, इम्पेशेंट होने से नहीं होगा। व्हाट एल्स वी हैव फॉर माय कैंसर, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वाओ, कुछ something is gaining momentum, something is starting right now to happen in your life. Kuch ek momentum, kuch ek speed, momentum gain kar raha hai, speed gain kar raha hai. Ho sakta hai ye koi person ho sakta hai koi opportunity ho jo aapke paas koi energy aane wala hai, that is gaining momentum right now. Aap hopeless abhi mat hona, that is the main message. आप जो भी प्रे किए थे, विश किए थे, हो सकता है वो सच हो जाए, मे बी आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं, बट हो जाए सच कैसे भी, ठीक है, बट आपको होप्स हाई रखने हैं अपने, आपको होपलेस नहीं होना है सिचुएशन में, है ना। यस, सो व्हाट डू वी हैव फॉर माय कैंसर्स इन लव फॉर द मंथ ऑफ सितंबर स्टार्टिंग टेम्परेंस। स्ट्रेंथ था बट हम इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते, कम ऑन। व्हाट डू वी हैव फॉर माय कैंसर्स, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। चलो, कर्मा, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स। Wait, let me see what is happening with you. Okay. So, what I'm seeing here for my cancer is, cancer people is,
टेम्परेंस. सो मे बी इन द पास्ट आपको, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी से डील कर रहे हो, आई एम सीइंग कि पास्ट में आपको, आपका जो रिलेशनशिप था उसमें बहुत सारे इम्बैलेंसेस थे. लाइक आपको लगता था, आपको स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही थी, आपको लग रहा था ये जो पर्सन है ये बहुत अनस्टेबल थे, ये 100% कमिट नहीं कर रहे थे. ये मे बी ये कुछ बोलते थे आपको, बट इनके एक्शंस कुछ और होते थे, ये करते थे कुछ और. सो दैट वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए बेसिकली. ठीक है, बट आई एम सीइंग कि ये जो भी पर्सन है, कर्मा इज़ कमिंग इन, यू नो कर्मा. सो ये पर्सन अगर आपको थर्ड पार्टी में रखे थे, हो सकता है बहुत लोगों के लिए दिस वॉज अ थर्ड पार्टी, नहीं भी हो सकता है. वट एवर दिस पर्सन डिड, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ने जो भी किया आपके रिलेशनशिप में, जो भी हुआ, आपको इम्बैलेंस फील हो रहा था, आपको लग रहा था कि यू आर लाइक ये पर्सन आपको 100% कमिटमेंट नहीं दे रहे, ये पर्सन आप कंफ्यूज थे कि आप कहाँ, लाइक वेयर डू यू स्टैंड विद दिस पर्सन, लाइक क्या सच में ये पर्सन सीरियस है, क्या इस रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. आप कंफ्यूज थे, लाइक हेल कंफ्यूज. ओके, बट आई एम सीइंग कि अभी आप अपने पावर में वापस आ रहे हो, अभी आप अपना जो पावर है वो टेक बैक कर रहे हो, यू आर कमिंग बैक इन टू योर पावर. आपको अपनी लाइक आप में भी पहले इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे थे, इस चीज़ को सही करने की सारी जैसे बोझ आपने ले रखी थी, सामने वाला पर्सन कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं करती थी, वट एवर. सो अभी मुझे दिख रहा है कि आप अपने पावर में वापस आ रहे हो, आपको फील हो रहा है कि नहीं मैंने बहुत कर लिया, ठीक है, मैंने बहुत एफर्ट दे दिया, मैंने बहुत कर लिया, लाइक एनाफ इज़ एनाफ. अब आप अपना ख्याल रख रहे हो, अब आप अपने पैसों का ध्यान रख रहे हो, अपने ब्यूटी का ध्यान रख रहे हो, अपने लुक्स का, अपने ज़िंदगी का, वॉट एवर इट इज़, आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो. ठीक है, बिकॉज़ आपने ये लेसन पाया है ये सिचुएशन से कि एनफ इज़ एनफ, आप इम्पोर्टेंट हो सबसे ज़्यादा, उसके बाद दुनिया, एंड दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग. ऐसा नहीं है कि आप रूड हो रहे हो, सेल्फिश हो रहे हो, कि मैं नो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जो आप पहले नहीं कर रहे थे. पहले आप इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे थे. अब सैक्रिफाइसेस कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, टाइम हो सकता है, एफर्ट, प्यार, फीलिंग्स, वट एवर. आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे थे, आप बहुत कुछ कर रहे थे इस पर्सन, इस सिचुएशन के लिए, जिससे आपको ये सीख मिला कि नो, आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो. ये पर्सन आपको उतना इम्पोर्टेंस दे या ना दे, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो. सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स इन द रिवर्स. सो ये जो पर्सन है, आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी फीलिंग कि मे बी फॉर मेनी ऑफ यू, 50% ऑफ यू, मे बी ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रखे थे, या इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, काइंड ऑफ अ प्लेयर, काइंड ऑफ एन एनर्जी. इसके लिए ये पर्सन कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे थे, इसके लिए पर्सन आपको 100% कॉमिटमेंट नहीं दे रहे थे. दिस कैन बी द केस. अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आई एम सीइंग दिस पर्सन वॉज टू बिजी, इनके पास बहुत कुछ ऑप्शन थे, लाइक करियर, अपना लाइफ, अपना ये, अपना वो, बहाने, एक्सक्यूजेस, यू नो. ये आपको एफर्ट नहीं दे रहे थे आपके रिलेशन में, सिंपल. ये आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे जितना आप डिजर्व करते हो. अब अगर आपको लगता है कि आप एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप में हो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पाइसिस हो, है ना, पूछ रहे हो मैं तो हैप्पी रिलेशन में हूँ, फिर ये सब क्या है, फिर ये सब आपके लिए नहीं है, मतलब आप बाकी का देखो, आप ये इग्नोर कर दो ये पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो कि यू नो इज़ गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम. सो यस, दिस कैन बी द प्रॉब्लम कि वो बिजी थे, वो थर्ड पार्टी हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर. सो यस, बट यू आर कमिंग इन टू योर पावर, यू आर लाइक नो आई एम इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, चाहे ये पर्सन हमें इम्पोर्टेंस दे ना दे, आप इम्पोर्टेंट हैं. ओके, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो, आप एक नया शुरुआत कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ. आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो, आपको, आप अपने पावर में वापस आए हो, एंड यू आर लाइक देखते हैं शायद मेरे लिए कुछ बेहतर है बाहर, मैं इस पर्सन को इतना एफर्ट क्यों दूँ इस पर्सन के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, जब मुझे लाइक कुछ नहीं मिल रहा है बदले में, है ना. सो मैं
अपने आप पे ध्यान दूंगी, मैं क्यों यहाँ पे ध्यान दूंगी, इतने सारे कार्ड्स नहीं है। ओके सो व्हाट इज दिस, यस सो लेट्स डू योर करियर, फाइनेंस, करियर फाइनेंस फॉर माय कैंसर पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, करियर फाइनेंसेस। अगेन ये जनरल रीडिंग है सो इट माइट नॉट रेजोनेट। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हो, बहुत लोग हो सकता है सोच रहे हो नया कुछ स्टार्ट करने के लिए, या फिर पुराना चीज़ में कुछ नया ला रहे हो, यू नो पुराना करियर में। वेट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सो आप मे भी हो सकता है आप पुराना आप जो भी करते हो बिजनेस प्रोफेशन व्हाटएवर, आप उस पर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, लाइक बिजनेस का मे भी एक नया ब्रांच खोल रहे हो, या बिजनेस में कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हो, या आपने कुछ नया करियर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ व्हाटएवर इनकम, कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है आपका, बिजनेस, साइड बिजनेस, उप्स, ओके इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट समथिंग न्यू इज़ कमिंग। अगर न्यू आप नहीं करना चाहते हो, आई एम सीइंग सम न्यू ऑफर्स आर कमिंग, मे बी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, शायद कुछ ऐसे ऑफर्स अगर आप ढूंढ रहे हो। विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग आप थोड़े से आपको लगता है लाइक आपके पास ऑफर्स तो आ रहे हैं, आप चाहते हो नया कुछ करना, बट कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स है आपके लाइफ में, लाइक मे भी हो सकता है कि आपके आपको लगता है ये नया चीज़ करने के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी आपके पास एनफ मनी नहीं है, अभी व्हाटएवर रीजंस, ठीक है, आपको लगता है कि आप थोड़े से रेजिस्ट कर रहे हो इस नए चेंज को, या इस नई बिगिनिंग को अपने करियर में, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से, कोई भी रीज़न हो सकता है, एज यू रेजोनेट। ओके लेट्स सी, एस ऑफ कप्स, या डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू समथिंग न्यू इज़ कमिंग, या स्टार्ट हो रहा है कुछ आपके लाइफ में, करियर में, फाइनेंसिस में, मनी में, समथिंग न्यू अब आपको जैसे रेजोनेट करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो आप मे बी नया करियर, नया जॉब, नया बिजनेस, नए ऑफर्स आ रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, व्हाट इज़ दिस क्वीन ऑफ कप्स, यस सो यू आर फीलिंग वेरी फुलफिल्ड एंड हैप्पी, लाइक ये जो भी नया ऑफर आएगा आप उसे पहले, आई एम सीइंग दैट आप मे बी पहले उसको रेजिस्ट करोगे थोड़ा सा, आप उसको लेने से थोड़ा सा हेजिटेट करोगे मे बी, क्योंकि उसमें थोड़े से रिस्क है, या उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, बट आई एम सीइंग दैट यू आर फाइनली गेटिंग फुलफिलमेंट विद यू हैव द मून हियर, सो आई एम फीलिंग दैट आप ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज, लाइक पहले कुछ ऑफर्स को मे बी आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, या बहुत सारे ऑप्शन है ऑलरेडी, ऑफर्स है ऑलरेडी, ऑप्शन है ऑलरेडी, आपको क्या करना है, आप रेजिस्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं अभी टाइम नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, ये नहीं वो नहीं, सो आपको क्या करना है, आपको बेस्ट ऑफर जो है सिलेक्ट करना है उन सारे ऑफर्स में से, द बेस्ट ऑफर यू विल हैव टू सिलेक्ट, आप सोच सकते हो, आप अपना टाइम लेके सोच सकते हो, एंड वंस यू सिलेक्ट द बेस्ट वन, वंस यू सिलेक्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, आई एम सीइंग यू बीइंग हैप्पी, बीइंग फुलफिल्ड, आपको लग रहा है कि हाँ आई एम प्राउड ऑफ माय डिसीजंस हियर, ठीक है, ओके वी विल क्लैरिफाई द मून हियर, व्हाई इज द मून हियर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, you are confused about which offer to take, which way to go, the magician, yes, so aap thode se confused ho, theek hai, aapke paas bahut sare offers hai, bahut sare raaste hai jaane ke liye, lekin aapko lagta hai ki aapke paas wo knowledge nahi hai, wo clarity nahi hai ki aap sahi rasta chun pao, sahi rasta aap apne liye chun pao, aap bahut zyada soch rahe ho ki ye karna chahiye ya wo karna chahiye ya wo karna, एंड यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट लाइक द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, आप सोच रहे हो, आप प्रे कर रहे हो कि ऐसा ऐसा हो जाए, इतने इतने पैसे मिले, ये हो वो हो, यू नो डिटेल्स में, सो आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके पास जितने भी ऑफर्स हैं आप उन्हें रेजिस्ट मत करो, आप अगर उसको सोचोगे प्रॉपरली टूवर्ड्स वॉट एग्जैक्टली यू शुड डू, आई थिंक यू विल बी हैप्पी, यू विल बी फुलफिल्ड, you can take a risk, I'm also hearing you can take a risk,
अगर आपके पास ऑफर्स नहीं है या फिर आपको लगता है कि ऑफर्स नहीं आने वाले हैं, देन आई एम सीइंग दैट आप जैसे काम कर रहे हो, मे बी उस काम, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो कुछ उस चीज़ के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, काम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। मे बी आप कुछ नया ट्राई करने से रुक रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, आपको डर है कि मे बी कुछ सिंपल चीज़ें हो सकती है, वेरी सिंपल। मे बी अगर आप पढ़ रहे हो, मे बी आपको कुछ नया टाइम टेबल ट्राई करना चाहिए, शायद उससे आपको बेटरमेंट मिले पढ़ाई अगर आप कर रहे हो। अगर आप मे बी बिजनेस कर रहे हो तो आपको मे बी टाइमिंग्स चेंज करने पड़े, या फिर कस्टमर्स को थोड़े से चेंज करने, वट एवर इट इज़, यू नो, समथिंग लाइक दैट। सो आपको मे बी कुछ छोटे मोटे चेंज करने पड़ेंगे, या फिर कुछ बड़े चेंज भी हो सकते हैं करने पड़ेंगे, जिससे आपको ये फुलफिलमेंट मिले अपने जॉब, करियर, बिजनेस में। मे बी आप रेजिस्ट कर रहे हो उस चेंज को किसी भी कारण से, बट आप कर सकते हो। आई एम सीइंग अगर आप करोगे यू विल बी हैप्पी एट द एंड, ठीक है? सो सम जनरल मैसेजेस फॉर माई कैंसर पीपल, जनरल मैसेजेस मेरे कैंसर लोगों के लिए। जनरल मैसेजेस फॉर माई कैंसर, जनरल मैसेजेस। क्वीन ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, वाओ। लॉट ऑफ पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन। आई थिंक दिस क्वीन ऑफ वॉन्स इज़ यू। सो जब आप अपने फुल पावर में हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छे खा पी रहे हो, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने जॉब पे ध्यान दे रहे हो, आप अच्छा कमा रहे हो, यू आर डूइंग गुड। उसी वक्त, ठीक उसी वक्त, समवन इज रशिंग इन, यू नो, दौड़ भाग के कोई आ रहा है आपके पास, यू नो, समवन इज रशिंग इन एंड विद अ प्रपोजल। लेकिन लेकिन ये जो प्रपोजल आने वाला है, ठीक है, ये प्रपोजल या ये जो पर्सन आने वाले हैं सामने, ये कुछ पास्ट पर्सन हो सकता है, बट ये न्यू पर्सन भी हो सकता है। मुझे लग रहा है ये नया पर्सन है आपके लिए। सो ये जो पर्सन आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, लाइक बात करते करते मे बी ये 2 दिन के अंदर आपको प्रपोजल दे दें, 2 दिन में ही, या फर्स्ट डे में आपको बोले कि चलो मिलते हैं, चलो ये करते हैं, यू नो, समथिंग वेरी फास्ट, समथिंग लाइक वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, या द वर्ल्ड, ओके, समथिंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड, फास्ट मूविंग एनर्जी। ये थोड़े से नॉन कमिटल हो सकते हैं ये पर्सन, ये हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से कमिटमेंट नहीं चाहते हो, मे बी थोड़ा अट्रैक्शन है, थोड़ा सा इन्फैचुएशन है, बहुत ज़्यादा वो आपके साथ होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब थोड़े से ऑब्सेस्ड है आपसे। बट आई एम गेटिंग दिस कि मे बी थोड़ा सा कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है इस पर्सन, बिकॉज द नाइट ऑफ वॉन्स इज नॉट अ वेरी स्टेबल कैरेक्टर। टेन ऑफ कप्स, यस, 10 10, 2 बार 10 है आपके रीडिंग में, वाओ, वर्ल्ड एंड द 10 ऑफ कप्स। सो देर इज पोटेंशियल, आई गेस विल क्लैरिफाई द वर्ल्ड फर्स्ट, वाइज सो मेनी कार्ड्स आर फ्लाइंग, लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग, व्हाई इज द वर्ल्ड हियर, डेथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, सो ओके, सो दिस इज अनदर मैसेज नाउ, दिस इज अनदर सिनेरियो नाउ, लेट अस सी व्हाट द लास्ट कार्ड इज, व्हाट इज द लास्ट कार्ड, ओके, ओके, आई एम गेटिंग थिंग्स नाउ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, आई इज द 10 ऑफ कप्स, यू क्लैरिफाई, नॉट सो मेनी कार्ड्स, आई एम सॉरी, ओके, सो ओके, यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल,
फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये नया पर्सन है, आई होप आप देख पा रहे हो इट, यस, अगर ये नया पर्सन है जो आपके पास आने वाला है इन द वेरी नियर फ्यूचर, वेरी फास्ट मूविंग एक्शन आई एम सीइंग, ये जो नाइट ऑफ वॉन्स है, अगर ये नया पर्सन है आई एम सीइंग ये बहुत बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, आएंगे, मे बी फ्रेंडशिप करेंगे, बट बहुत जल्दी में, बहुत जल्दी, जस्ट लाइक दैट, यू नो, रिलेशनशिप के लिए पूछेंगे या कुछ, यू नो, समथिंग समथिंग, बिकॉज ये नाइट बहुत जल्दी में होता है, लाइक दे आर रनिंग ऑल ओवर द प्लेस. आपका मर्जी, आप एक्सेप्ट करो ना करो, बट अगर ये पुराना कनेक्शन है, अगर ये वो पास्ट पर्सन है जो छोड़ दिए थे फॉर अ थर्ड पार्टी, माइट बी फॉर सम ऑफ यू, जो छोड़ के चले गए थे, वो पर्सन अगर ये वापस आएंगे, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरी वन, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कुछ लोगों के लिए, सो आई एम सीइंग दैट दिस इज़ एंडिंग, देर हैज़ टू बी एन एंडिंग, क्योंकि अगर ये एंडिंग नया नहीं होगा इस पर्सन के साथ, तो आपका नया बिगिनिंग नहीं हो पाएगा, यू विल नॉट बी हैप्पी, बिकॉज ये एंडिंग के बाद वी हैव द 10 ऑफ कप्स, वी हैव द स्टार हियर, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्स, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स. क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी कैरेक्टर है जो अपने लाइफ में कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करती है जो उन्हें दुख पहुँचाए या जो उनका हार्ट ब्रेक करे, वो सारी चीज़ों को निकाल के फेंक देती है. वॉट एवर इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल हर, वॉट एवर इज़ ट्राइंग टू लोअर हर ग्रोथ, वो सारे चीज़ों को फेंक देती हैं उठा के. सो अगेन, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान के साथ रेजोनेट करे, अगर नहीं करता है आपके साथ, इट्स ओके, बट फॉर हुएवर इज़ रेजोनेटिंग विथ, जो भी रेजोनेट कर पा रहे हो, लेट मी टेल यू दिस, अगर ये पुराना पर्सन वापस आता है आपके लाइफ में, चांसेस आर कि वो आएंगे वापस. आई एम सीइंग कि इस पर्सन के साथ आपका एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. अगर एंडिंग होगा तभी नई बिगिनिंग होगी. हो सकता है कि ये जो नया बिगिनिंग है ये इसी पर्सन के साथ हो, बहुत कम लोगों के लिए, फॉर 1-2% ऑफ यू जो नया बिगिनिंग होने वाला है, मे बी इसी पर्सन के साथ हो, लेकिन उस नए बिगिनिंग के लिए ये एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. अगर यहाँ पे एंडिंग नहीं होगा, अगर आप अपना कार्मिक साइकिल यहाँ पे एंड नहीं करोगे, ये नया बिगिनिंग नहीं हो पाएगा, आप खुश नहीं रह पाओगे. इफ़ दिस इज़ अ न्यू पर्सन, अगर ये नया पर्सन है, तो आप कैसे पहचानोगे? ये बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दबाजी करेंगे आपके साथ, आज ही बात किए, कल ही मिलो, परसों ही रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट. अगर आपको लगता है ये बहुत जल्दबाजी में है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है, पैशन है, आप भी अट्रैक्टेड हो गए, ऐसा नहीं कि आप अट्रैक्टेड नहीं हो, समथिंग फिजिकल, लॉट ऑफ फिजिकल इमोशंस, फायर साइन, लियो, एरी, सजिटेरियस, अगर ये आएंगे, अगर, आई डोंट थिंक दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल एनर्जी है, दिस इज़ समवन हु इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, हु इज़ फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे. इमोशंस का मुझे यहाँ पे ई भी नज़र नहीं आ रहा है इतना इसमें, सो देर इज़ नो इमोशंस इन्वॉल्व हियर, आपके साइड से भी नहीं है अगर ये नया पर्सन है, दिस इज़ जस्ट अट्रैक्शन, सो दैट विल नॉट बी वेरी लॉन्ग टर्म. बट द न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग हियर. जब आप चीज़ें एंड करोगे, आपके लिए नया बिगिनिंग होगा. अब फॉर 90% 95% लोग, ये नया बिगिनिंग एक नए पर्सन के साथ होगा. जब आप इस पर्सन को छोड़ दोगे, लेट गो करोगे, मूव ऑन करोगे, एंडिंग होगी, आपका ये न्यू बिगिनिंग किसी नए पर्सन के साथ होगा. बट स्टिल 5% लोग, 5% 6% व्यूअर्स के लिए मुझे लगता है कि ये जो नया बिगिनिंग होने वाला है, ये भी इस पर्सन के साथ, ये पास्ट पर्सन के साथ होगा जो चला गया था. बट उसके लिए अगेन ये एंडिंग होना ज़रूरी है, वो आप चाहो या वो आप ना चाहो तो, ठीक है. फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर वाज अ थर्ड पार्टी, नहीं भी हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज. बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आप अपने पावर में वापस आ रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो अपने आप को हर एक एरिया में अपने लाइफ के, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव. आई एम सीइंग आपका जो फाइनेंसेस है, करियर है, उसमें आप थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हो चेंज को, आप चेंज करना नहीं चाहते,
लेकिन आई एम सीइंग दैट अगर आप चेंज करोगे, आप कुछ नया करोगे या कुछ चेंज करोगे, छोटा हो या बड़ा हो चेंज, तो मे बी आपको खुशी मिल सकती है, आपको हैप्पीनेस फुलफिलमेंट मिल सकता है, आपको कुछ नया मिल सकता है, कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है. ठीक है, आई एम सीइंग अगेन दिस विद दिस समवन इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई आ रहा है आपके तरफ. अगर ये पुराना पर्सन है, उनके साथ चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, एंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पुराना पर्सन सही इंटेंशन के साथ नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपना लेसन नहीं सीखा है अभी तक. ठीक है, सो ये अगर वापस आएंगे, दिस विल बी अट्रैक्शन, दिस विल बी शॉर्ट टर्म समथिंग सेक्शुअल समथिंग लाइक दैट. अगेन ये अगर रेजोनेट नहीं करता है, डोंट फोर्स इट. सो ये उनके साथ एंडिंग होना ज़रूरी है, तभी एक नया बिगिनिंग हो सकता है किसी और के साथ या इस पर्सन के साथ. एंडिंग इज़ नेसेसरी. अगर ये कोई नया पर्सन है जो आपके तरफ आ रहा है, अगर ये पर्सन आपको लगता है बहुत जल्दबाजी में है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है, बहुत पैशनेट है, फिज़िकल अट्रैक्शन फिज़िकल है बहुत ज़्यादा, देन आई थिंक यू शुड मूव अवे, बिकॉज देन ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा. ठीक है, सो दैट इज़ योर रीडिंग कैंसर. आई होप आपको अच्छा लगा हो, रेजनेट किया हो. किया हो तो मुझे बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड यस मुझे बताना. ठीक है, अगेन जनरल है, हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, सो डोंट फोर्स इट. अगर नहीं करे, जितना करे आप उतना लीजिए, बाकी यहीं पे छोड़ जाइए. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय.